हेलो फ्रेंड्स, युवज्योत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे इडली सांभर, जो काफ़ी स्वादिष्ट लगती है और ये साउथ की डिश है और ये काफ़ी स्वादिष्ट लगती है बनने के बाद में। तो मुझे तो काफ़ी पसंद है इडली सांभर। तो आप सबको कैसी लगती है इडली सांभर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घोल बनाएंगे इडली का। तो यहाँ मैंने छाछ ली है और छाछ थोड़ी खट्टी होती है तो ज़्यादा टेस्टी बनती है इडली। तो यहाँ मैंने लिया है सूजी। सूजी को हम डाल देंगे बर्तन के अंदर और यहाँ मैंने लिए 1 kg सूजी। तो इसे अच्छे से मिलाएंगे हम छाछ के अंदर और छाछ के अंदर बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी बनेगी ये। तो इस तरह देखिए मिलाएंगे इसे अच्छे से। इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड किया है मैंने, आधा कप। थोड़ी ये गाढ़ी हो गई थी इसलिए। तो ये देखिए इस तरह हम इसका पेस्ट बनाएंगे और जैसा मैंने रखा है गाढ़ा गाढ़ा वैसा ही रखेंगे हम भी। ज़्यादा पतला नहीं करना है इस घोल को। अब इसके अंदर मिलाएंगे हम 1 चम्मच नमक की। नमक मिला करके इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसे ये देखिए इस तरह ही घोल रहना चाहिए इसका। पतला घोल नहीं करना है, पतला घोल रहता है तो ज़्यादा फूलती नहीं है इडली। तो गाढ़ा घोल ही रखेंगे और इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम सब्जियां लेंगे। यहाँ आलू, टमाटर, प्याज और साथ में मैंने लिए लौकी। आप चाहें तो और भी सब्जियां ले सकते हैं। और दाल भिगो करके रख दी है और यहाँ इमली मैंने गर्म पानी डाल करके इसके अंदर इसे थोड़ा उबाल लेंगे। ये देखिए उबल चुकी है हमारी इमली भी और इमली देखते ही तो मुँह में पानी आ जाता है सच बोलूँ तो। और ये देखिए अब यहाँ मैंने सब्जियाँ काट ली। सबको लंबा ही काटना है, सब्जियों को छोटा छोटा नहीं काटना है, लंबी साइज़ में ही काटना है। और अब हम कुकर में डाल देंगे दाल, सारी सब्जियां, साथ में 3 से 4 गिलास पानी। आप अगर ज़्यादा पतला सांभर खाना पसंद करते तो ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया। इसे अच्छे से मिलाएंगे हम। इसमें डालेंगे अब मसाले। मसाले मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर। ये सब मैंने 1-1 चम्मच लिया है क्योंकि यहाँ हम डालेंगे सांभर मसाला। और इसके अंदर मैंने सांभर मसाला डाला है 2 चम्मच और साथ में ऊपर से थोड़ा तेल डाल दिया है। और अब हम करेंगे कुकर को बंद और गैस को ऑन। गैस को ऑन करने के बाद में इसमें हम 2 सीटी लगवा लेंगे। और ये देखिए यहाँ हमारी इमली भी उबल चुकी थी तो इसे हम छान लेंगे अच्छे से। और इस तरह देखिए यहाँ मैंने इमली को अच्छे से उबाला था। उबाल गर्म पानी में उबालने के बाद इसे छोड़ देंगे तो ये अपने आप ही इसका पेस्ट बन करके तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह तो इसे छान लेंगे ताकि इसका स्मूथ पेस्ट हमारे पास आ जाए। तो ये देखिए ये छन चुकी है अच्छे से और ऊपर जो बचा है उसको हम वापस गर्म पानी में डाल करके भी यूज़ ले सकते हैं। तो ये देखिए छन चुकी है और इमली हमारे पास तैयार है, इमली का पेस्ट। और इमली तो मुझे काफ़ी पसंद है, आप बताइए आपको कैसी लगती है। तो ये देखिए यहाँ सांभर में 2 सीटी आ चुके। गैस करेंगे बंद और यहाँ हम छूकन के लिए यहाँ तेल लेंगे। यहाँ मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। आपके पास रिफाइंड ऑयल हो तो आप वो भी ले सकते हैं, तो मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। अब ये गर्म होने के बाद में कर देंगे बंद गैस को। और अब हम लेंगे राई और हल्दी और इसको हम तेल में डाल देंगे। तेल में डालने के बाद में इसे हम सांभर में डाल देंगे और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। 2 मिनट के लिए इसे रहने देंगे ऐसे ही ताकि इसमें टेस्ट अच्छा आ जाए और सुगंध भी हो जाए। तो ये देखिए अब इस पे से हम हटाएंगे ढक्कन और इसे अच्छे से मिलाएंगे। और ये देखिए सांभर लग रही है ना काफ़ी टेस्टी और ये बनकर भी काफ़ी टेस्टी तैयार होती है अगर आप भी इस तरह बनाएंगे तो। और अब हम इसमें इमली का रस डालेंगे। इमली के रस से काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है इसमें। अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो आप इमली के रस को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इमली डालने से काफ़ी टेस्टी बनती है सांभर। तो इसे मिला लेंगे हम। ये देखिए अभी ये थोड़ी और गाढ़ी होएगी तो इसके लिए हमको क्या करना है कि गैस ऑन करेंगे हम और धीमी आँच पर ही इसे 5 मिनट पकाएँगे। 5 मिनट पकाने के बाद में ये देखिए इस तरह हमारी सांभर तैयार होती है। और ये थोड़ी और अगर हम गैस को बंद करेंगे इस टाइम 5 मिनट बाद में और ढक्कन लगा देंगे तो ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी और ये काफ़ी टेस्टी हो जाएगी। तो सांभर बन करके तैयार है। तो अब बारी आती है इडली बनाने की। तो ये देखिए हमारा घोल भी काफ़ी अच्छा बना है ये देखिए। और इसमें जो छाछ डाली थी खटाई से ये काफ़ी अच्छा हो गया है। घोल भी देखिए इससे काफ़ी अच्छी बनती है इडली भी और काफ़ी सॉफ्ट भी बनती है। तो यहाँ हमने इडली कुकर लिया, इसमें पानी डाल दिया, साथ में नमक डाला है थोड़ा और गैस को ऑन कर देंगे और 5 मिनट तेज आंच पर ही इसे हम गर्म होने देंगे पानी को। और ऊपर से ढक्कन लगा के रख दिया हमने।
अब बारी आती है इडली को इडली कटोरियों में डालने के लिए। तो मेरे पास ये वाला सांचा है, तो इसी में मैं इडली बनाती हूँ। तो ये देखिए, अब इस पर मैं घी लगा रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ घी लगा रही हूँ। घी लगाने के बाद में अब बारी आती है पेस्ट में इनो डालने की। तो यहाँ मैंने थोड़ा पेस्ट निकाला है, इसमें मैंने आधा पुड़िया में जो इनो था उसमें से आधा इनो लिया है। और इनो को एक्टिवेट करने के लिए मैंने इस पर पानी डाला है। पानी डालने के बाद में इसे अच्छे से मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाना है, थोड़ा ही मिलाना है इसे। तो ये देखिए इस तरह मिल चुका है। अब इसे हम कटोरियों में भर देंगे और इसी तरह हम पेस्ट को सभी कटोरियों में डालेंगे। और इन कटोरियों में काफ़ी अच्छी इडली बनती है और काफ़ी सॉफ्ट और ज़्यादा बड़ी भी बनती है, तो टेस्टी भी लगती है। तो ये देखिए इस तरह अब हम टेप करेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स आएँ वो निकल जाए सारे और हमारी इडली अच्छी बने, सॉफ्ट बने। तो ये देखिए अब कुकर में पानी भी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसका ढक्कन हटा देंगे और इसके अंदर सारी कटोरियों को अच्छे से जमा देंगे, ये देखिए। और इसे हम 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाएंगे। तेज़ आंच पर पकाएंगे तो काफ़ी जल्दी बन करके तैयार हो जाएगी इडली। तो देखिए 15 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटा दिया है मैंने और टूथपिक की सहायता से इसे चेक करेंगे कि ये पकी है या नहीं। तो ये देखिए टूथपिक की सहायता से मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिए अच्छे से पक चुकी है, इस पर लग रही भी नहीं इडली का होल। तो अब इन्हें हम सबको निकालेंगे और इसे ठंडा होने के बाद ही इन्हें निकालेंगे कटोरियों में से। ये देखिए आसानी से निकल जाती है ये ठंडा होने के बाद में। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, और मैं आपको तोड़ करके भी दिखा देती हूँ एक कि कितनी सॉफ्ट है ये अंदर से भी। ये देखिए काफ़ी अच्छी बनी है ये। तो इसे आप गर्मा गर्म सर्व करेंगे इडली सांभर को। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों तक भी पहुँच सके हमारी रेसिपी। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं।